पति गुस्सा करता है, युगल आपकी युगल गुस्सा करते हैं, रोज नमक डालते खाना में, कितना बताया सुनती नहीं, तो क्या करना चाहिए? बच्चे पढ़ते नहीं है, टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल पर खेलते रहते हैं, गुस्सा आता है, मारते हो, वो भी आपको बताओ। देखो मैं 2-5 साल पहले लंदन में गया था, तो ऐसी क्लास में बता रहा था कि देखा उधर माताएं बहुत थी, तो देखा मैंने कहा आजकल माँ बाप क्या कहते हैं, बच्चे बिगड़ गए हैं, बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखते हैं। तो मैंने एक शब्द बोला कि बच्चों को बिगाड़ा किसने है, इतना ही बोला, तो पीछे एक माताजी रोने लगे क्योंकि ऊपर बैठते ना दिखाई देता है। हमने कहा माताजी शायद बीमार है, रो रही है। तो दूसरी माताजी को, माताजी वो माताजी देखो रो रही है, उनको तो मदद करो। उठ के खड़ी हो गई, भाई जी मैं बीमार नहीं हूं। आज मुझे समझ में आया, क्या समझ में आया, आपने एक शब्द बोला कि बच्चों को बिगाड़ा किसने। तब मैंने सोचा हाँ मेरे 2 बच्चे शादी करके दिया है, एक दिन भी मेरा मुंह न देखते हैं, एक दिन भी मेरे पास नहीं। मैं सोचती थी बच्चे बिगड़ गए, लेकिन आज आपने ये शब्द बोला बच्चे को बिगाड़ा किसने, थोड़ा सोचा हाँ मैंने ही। बच्चे छोटे थे, उठते नहीं थे, स्कूल में जाते नहीं थे, बहुत मारते थे, गुस्सा करके मार के बच्चों को स्कूल में भेजते। तो ऐसे बच्चों की सेवा, ऐसे माँ बाप की सेवा बच्चे करेंगे? बताओ, कर्म करते समय पता नहीं चलता है, जब फल चाहिए तब पता चलता बीज किसने बोया था, हमने बोया था। खट्टा बीज बोलो तो मीठा बीज फल निकलेगा, निकल सकता है ना। तब का कर्म करते बच्चे छोटे, याद है हमारी मम्मी क्या करती थी, हमारा पापा क्या करता था, तो ऐसे माँ बाप की सेवा करेंगे बच्चे।